गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे और अपना क्वारंटाइन काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो, इसी क्वारंटाइन के चलते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना समर डीआईवाई स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी हमारे पास काफी सारा टाइम है जिससे हम अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो या आज मैं बताने वाली हूं कि मेरा समर स्किन केयर रूटीन क्या है, जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं और एक काफी अच्छी फ्लॉलेस स्किन पा सकते हैं। सो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक नजर हम डाल लेते हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स पर। आपने देख लिए हैं कि कितने वर्सेटाइल हैं और हम कितनी सारी चीजें अपने फेस पर यूज करने वाले हैं। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू क्लेंज योर फेस। सो आई पर्सनली यूज द फेस शॉप राइस वाटर ब्राइट क्लेंजिंग फोम एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस 3 months नाउ और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे मेरी स्किन पर। आई एम श्योर ये आपको भी काफी ज्यादा सूट करेगा बिकॉज ये हर स्किन टाइप के लिए है, तो आप भी इसे जरूर एक ट्राई दें। ऑल यू हैव टू डू इज वेट योर फेस एंड टेक द फेस वॉश इन योर हैंड्स, रब इट एंड मेक द फोम एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस फॉर 1 minute। यू हैव टू वॉश योर फेस, आपको अपना फेस 1 minute तक के लिए धोना है फॉर 60 seconds। दिस इज द 60 second रूल ऑफ वॉशिंग योर फेस। तो चलिए अब हम सबसे पहला स्टेप करते हैं, दैट इज क्लेंजिंग आवर फेस। मैंने अपना फेस काफी अच्छे से क्लेंज कर लिया है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग अ टोनर। टोनर यूज करना समर्स में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड फॉर दैट मैंने ये DIY टोनर बनाया है जिसमें मैंने यूज की है ग्रीन टी एंड एप्पल साइडर विनेगर एंड क्यूकम्बर का रस। तो ये 3 चीजें मिला के मैंने ये टोनर बनाया है। यू कैन मेक इट इजिली एट होम। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ना डालना चाहें तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। मेरे पास था, मैंने यूज कर लिया। द एप्पल साइडर विनेगर आई हैव यूज इज द वाओ ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। ये आपको इजिली अमेजोन पे मिल जाएगा, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड सो या आई मेड दिस DIY टोनर एंड ऑल यू हैव टू डू इज डिप your cotton ball in this toner and just cleanse your face, apply it to your face. देखा कि मैंने किस तरह से टोनर अपने फेस पर लगाया। सो द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएटिंग योर स्किन, दैट इज टू यूज अ स्क्रब। तो मैंने जो घर पर DIY स्क्रब बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर की थी आपके साथ एंड उसमें बस एक एडिशन मैंने किया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें उस एडिशन की कमी थी। सो या फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज एलोवेरा जेल and we are going to mix coffee in it. So we'll mix coffee in the aloe vera gel. फिर इसमें हम olive oil मिलाएंगे थोड़ा सा। oily skin वाले चाहें तो olive oil को skip कर सकते हैं बिकॉज ये आपकी स्किन को थोड़ा सा और ऑयली बना देता है, बट कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन वाले तो जरूर ही इसे यूज करें। देन वील एड सम ग्रीन टी लीव्स एंड
एंड देन शुगर एंड वील मिक्स इट अप. स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, दैट वॉज एक्सफोलिएटिंग योर स्किन. सो द लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई अ मास्क. और मैं घर पर ही मास्क बना लेती हूँ और उसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ. सो फॉर दैट मास्क यू नीड 1.5 स्पून ऑफ ग्राम फ्लोर, दैट इज बेसन 1.5, एंड देन आई एड चंदन पाउडर टू इट. This is chandan powder. Haldi, a pinch of haldi. Thoda sa olive oil, ek drop. और इसे मैं मिक्स कर लूंगी मिल्क मिला के. मिल्क को इसमें मिलाकर एक स्मूथ बैटर हम तैयार कर लेंगे, एक स्मूथ मास्क जो कि हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे. बनकर तैयार हो गया है. अब हम इससे पहले कि हम इसे अपने फेस पर लगाएं, मैं इसे अपने फेस पर लगाऊं, मुझे अपना ये व्हाइट टॉप चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई ऑल्सो डोंट नो मेरी मम्मी मेरा क्या हाल करेगी. सो या अब हम ये फेस मास्क अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और इसे छोड़ देंगे हम फॉर 15 to 20 minutes, जिससे ये हम अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर इसे पानी से धो लेंगे. हमने काफी अच्छे से मास्क लगाया. ध्यान रखिए कि जब आप अपना मास्क छुटा रहे हो पानी से धो रहे हो तो एक सर्कुलर मोशन में धोएं. उससे क्या होगा, जो उसमें ग्राम फ्लोर है, जो उसमें बेसन है, वो काफी अच्छा स्क्रब का भी काम करेगा. तो अगर आप DIY स्क्रब नहीं बना पा रहे हैं तो आप अकेला मास्क को भी एज अ स्क्रब यूज कर सकते हैं. सो द लास्ट स्टेप, यस अभी भी एक लास्ट स्टेप बचा है, एंड द लास्ट स्टेप इज टू मॉइस्चराइज योर स्किन. एंड फॉर दैट मैं यूज करती हूँ मिस मैडनेस का ग्लो सीरम. एंड यू जस्ट हैव टू टेक 3 or 4 ड्रॉप्स ऑफ दिस एंड अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है. दैट्स इट. ये था मेरा DIY समर स्किन केयर रूटीन जो कि मैं फॉलो करती हूँ हर वेंसडे और संडे.
क्योंकि समर आने वाले हैं और हमारी स्किन काफी ज्यादा ऑयली और स्वेटी हो जाती है, तो आप भी प्लीज अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करें और ये रूटीन फॉलो करके मुझे जरूर बताएं कि ये आपके लिए कितना सूटेबल रहा। सो ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप किस तरह की वीडियोस मुझसे चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं जितना फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर पाऊं उतना कर सकूं, और या बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।